हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नदीम, टीम केमिस्ट्री। आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे पार्ट टेस्ट टू, जो डायमंड टेस्ट सीरीज 2023, जिसमें आप देख रहे हैं मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक थर्मोडायनामिक्स, रेडॉक्स, ये सब है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, रूट मीन स्क्वायर, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल। तो रूट मीन स्क्वायर का कितना होता है? 1.22 रेशियो। एवरेज आता है 1.128 रेशियो 1। वीआरएमएस, वी एवरेज, वी मोस्ट प्रोबेबल। अब इसमें मैच करा लो, जिसमें दिया है, जिस सीक्वेंस में। इसमें तो कोई नहीं है वैसे, अभी इस सीक्वेंस में कोई नहीं है ना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ आंसर। नेक्स्ट, कार्बन प्लस कार्बन प्लस ये देखो, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फॉलोज? ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है? कोई एक एटम है फिक्स मास, उससे कोई दूसरा एटम रिएक्ट कर रहा है और एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में क्या होता है? वही एटम कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं। तो अब इसमें देख लो, इसी से पकड़ लो, चाहे इसमें जो भी बना है उसमें थ्री टाइप्स के एटम है कि नहीं है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, थ्री टाइप के हैं, तो हो गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब ऐसे जल्दी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, 3.4 ग्राम 1 लीटर द नंबर ऑफ आयन इन 5 ml ऑफ दिस सोल्यूशन। तो इसको बना लो Al2SO4 थ्राइस, ये देगा 2Al+3+3SO4-2। इसका मोल बना लेते हैं, 3.42। इसका मोलर मास कितना आता है? 342, 342। ये हो गया 0.01। ये 1 लीटर में है पहले तो, ठीक है, 1 लीटर में। 1000 ml में एल्युमिनियम सल्फेट है 10^-2, तो 5 ml में कितना होगा? 10^-2 डिवाइड बाई 10^3 इंटू 5, तो हो जाएगा 5 × 10^-5 मोल। मोल क्या आया है? ये एल्युमिनियम सल्फेट का। अब नंबर ऑफ आयन पूछ रहा है, तो 1 मोल तो 5 मोल देता है, तो ये कितना देगा? 1 मोल 5 मोल्स आयन दे रहा है ना, 5 मोल्स आयन। तो हमारे पास कितना है? 5 × 10^-5 मोल, तो जाएगा 25 × 10^-5 मोल ऑफ आयन। मोल ऑफ आयन आया, नंबर ऑफ आयन पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ आयन्स इक्वल टू 25 × 10^-5 Na हो जाए। ये आ गया अपना आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। 20 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन है CXHY+X+Y/4, तो क्या आता है? XCO2+Y/2H2O। ये हमारे पास है 100 और ये हो गया 20। इसके बाद क्या है? 60 ml CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, ये हो गया 60। ठीक है, तो आप, अच्छा ये X+Y/O2 है ये वाला ना, तो चाहे तो मोल कंसेप्ट से भी निकाल सकते हो ऐसे इसको, या आप एक काम करो POAC लगा देते हैं इसमें ना। तो X अगर निकालना है इसको, एक तो ऐसे है कि भाई जैसे क्या होगा, X+Y/4 = 100/32 मोल। यहां पे 60+60/44 = X। चाहे तो यहां से X आ जाएगा, X रख के यहां से Y निकाल सकते हो। और दूसरा क्या हो सकता है कि हाइड्रोकार्बन है CXHY+O2 gives CO2+H2O। ये हो गया हमारे पास 100, ये कितना है? 60, ये है 20।
तो पीयूएसी लगा दो, 20 इंटू एक्स इक्वल टू 60 इंटू 1, कार्बन कंजर्व कर लिया, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। एक्स की वैल्यू 3 सिर्फ इसमें है, ऐसे भी निकाला, पीयूएसी लगा के फट से आंसर निकाल सकते हो आप कार्बन कंजर्व करके, क्योंकि देखो कार्बन अब 3 आएगा या 3 किसी में, अगर हाँ अगर 3 मैच कर जाता तो फिर हाइड्रोजन कंजर्व करके दूसरा भी निकाल लेते, ठीक है। नेक्स्ट, 5 मोल हाइड्रोजन गैस, रिएक्शन दिया ही हुआ है, अच्छा ये अनबैलेंस है तो इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा, H2 प्लस P4 प्लस O2 गिव्स H3PO4, H3PO4, अब इसको बैलेंस करो तो यहां पे कितना आ जाएगा, 4, यहां आ गया 6, अब ऑक्सीजन 8 आ जाएगा यहां पे, ठीक है। मोल्स दिए हुए हैं, 5 मोल हाइड्रोजन है, 5 मोल हो गया, 3 मोल ये हो गया वाइट फास्फोरस, और 12 मोल ऑक्सीजन है, तो 12/8 ये आ जाएगा हमारा कौन सा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब क्या बोला, मोल ऑफ ऑर्थो फास्फोरिक, तो मोल्स ऑफ, डायरेक्ट कर सकते हो इसको, मोल्स ऑफ H3PO4 कितना आ जाएगा, 4/6 इंटू 5। यील्ड भी कुछ दिया है, अच्छा यील्ड चलो 100% है तो 100% तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये जाएगा 20/6, ये आंसर आ जाएगा 3.33 के आसपास। नेक्स्ट, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ हीलियम, ये हो गया करेक्ट ऑर्डर ऑफ KH। अब आप जानते हो KH जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ, तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है उसका KH कम होगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा उसका KH, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम उसका KH ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम किसका, हीलियम, हीलियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो हीलियम के बाद ये आंसर हो जाएगा, है ना, हीलियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन, तो बी इसका स्ट्रक्चर बना लो, डबल बॉन्ड ओ, इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, एनसीईआरटी में भी ये स्ट्रक्चर दिया ही हुआ है। अब आप बोला है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखिए यहां से अगर आप ब्रेक करेंगे इसको तो कितना आएगा, +6, यहां से कितना आ जाएगा, +4, यहां से कितना आ जाएगा, +6, तो +6 और +4 दोनों आएगा, तो आंसर सेकेंड और थर्ड दोनों आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसको बैलेंस करना है, MnO4 माइनस प्लस I माइनस से जा रहा है Mn प्लस 2 प्लस I2, ठीक है। तो देखो यहां तो 2 आ जाएगा, ठीक, ये अलग अलग कर लें क्या, इसको अलग अलग कर लेते हैं, चलो MnO4 से Mn प्लस 2, देखो Mn तो है सही, इधर हो जाएगा 4H2O, इधर कितना हो जाएगा 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, पहला वाला हो गया, I माइनस से I2, 2 हो गया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, चलो इसको 5 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो कितना आ रहा है, अब कितना आ जाएगा 16H पॉजिटिव प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 10I माइनस गिव्स 2Mn प्लस 2 प्लस 5I2 प्लस 8H2O, ठीक है, ये हो गया बैलेंस। अब हमें क्या करना है, सी और डी, सी ये है और डी ये है, अच्छा इसको सिंपल चलो कर लो, सी ये हो गया और डी है Mn, सी बाय डी निकालना है ना, सी बाय डी, तो 8 आ जाएगा आंसर, 8 आ जाएगा, 16/2, ठीक है। नेक्स्ट, MnO4 act as a oxidizing agent and ultimately form MnO4
चलो भाई, तो के मेनो फोर से कहां कहां कन्वर्जन करना है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो बताना है। एम एन ओ फोर माइनस टू, इस पर तो कितना आएगा प्लस सेवन, इस पर आ जाएगा प्लस सिक्स। फिर है एम एन ओ टू, इस पर आ जाएगा प्लस फोर। एम एन टू ओ थ्री, इस पर थ्री टू जा सिक्स, प्लस थ्री आ जाएगा, एम एन आ गया प्लस टू। तो यहां से यहां ट्रांसफर कितने का हुआ, वन थ्री फोर फाइव, वन थ्री फोर फाइव। ठीक है, नेक्स्ट पी फोर एस थ्री से जा रहा है पी टू ओ फाइव प्लस एस ओ टू, इस पर चार्ज आ गया प्लस थ्री, इस पर माइनस फोर, इस पर आ गया प्लस फाइव, इस पर आ गया प्लस फोर। तो देखो चेंज कितने का आ रहा है, प्लस थ्री से प्लस फाइव जाएगा टू मल्टीप्लाई बाई फोर, ऑक्सीडेशन है ऑक्सीडेशन। माइनस फोर से प्लस फोर गया एट मल्टीप्लाई बाई थ्री, ये भी क्या है ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया 24 और ये हो गया 8, तो इसने नेट कितना ट्रांसफर किया 32। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा m बाई 32। ठीक है, नेक्स्ट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस ऑक्सलेट, KMnO4 है फेरस ऑक्सलेट FeC2O4, इसका मोल निकालना है हमें। फेरस ऑक्सलेट का n फैक्टर कितना आता है 3, इसका 1 दिया है, n फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5, सो मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट कितना हो गया 5/3। नेक्स्ट हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर नीडेड टू ऑक्सीडेट, 1 मोल ईच ऑफ तो KMnO4 रिएक्ट कर रहा है FeSO4 और फेरस ऑक्सलेट FeC2O4, इसका हमें मोल निकालना है एसिडिक मीडियम में 5, इसका 1 एन फैक्टर फेरस सल्फेट के साथ कितना आएगा प्लस 2 से किस में जाएगा प्लस 3 में, तो 1 आएगा प्लस 1 इसका एन फैक्टर आता है इतना, तो 3 1 4 हो गया, तो मोल इक्वल टू कितना आ गया 4/5। नेक्स्ट इन टाइट्रेशन ऑफ H2O2 y मोल KMnO4, द मोल ऑफ तो KMnO4 किससे रिएक्ट किया H2O2 से, इस HD द मोल ऑफ इसका मोल हमें निकालना है, n फैक्टर इसका कितना आता है 2, इसका y दिया है n फैक्टर कितना आता है 5, तो मोल इक्वल टू कितना हो गया 5y/2 ओके। नेक्स्ट व्हेन 1 मोलर सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 10 टाइम्स मोलैरिटी, डाइल्यूट करते हैं तो घटता ही भाई, सही बात है, M1V1 इक्वल टू M2V2 रखोगे तो पॉइंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल तो सेम ही रहेगा, नीचे की वैल्यू क्या हो रही है, मोलैरिटी फार्मूला क्या होता है मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोल्स तो क्या है कांस्टेंट ही रहेंगे, डाइल्यूट करने पर तो चेंज होने नहीं सॉल्यूट के मोल्स, वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए मोलैरिटी क्या हो रहा है घट रहा है, तो आंसर इसका कल चलेगा बोथ इतने देख लेते हैं, ए आर आर ट्रू बट आर इज करेक्ट, फर्स्ट आंसर चला जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज प्लॉटेड अगेंस्ट द प्रेशर, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिक्विफिएबिलिटी, तो आप जानते हैं जिसकी जेड की वैल्यू लेस देन 1 होती है वो ज्यादा कंप्रेसिबल होता है, मतलब इजिली क्या होता है लिक्विफिएबल, अब जेड की वैल्यू सबसे कम किसकी है इसकी है, फिर ये है फिर ये है फिर ये है, तो सबसे ज्यादा सबसे इजिली लिक्विफिएबल कौन सा होगा, करेक्ट बोला है CO2, फिर CH, सबसे ज्यादा CO2 फिर CH4 फिर N2 फिर ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन गेन बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स नॉट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गेन बाय व्हेन पर मैग्नेट रिड्यूस के पर मैग्नेट आयन MnO4 रिड्यूस किस में हो रहा है Mn प्लस 2 में, इधर हो गया प्लस 7 तो यहां से आया तो 5 मोल्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, व्हेन रिएक्टिंग रिड्यूसिंग 1 मोल से ही 1 मोल ही ये दिया है तो कितना आ गया, तो पूछा है तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मोल ऑफ परमैग्नेट, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू एन ए,
फाइव इंटू एन ए आ गया। ठीक है, द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल रिक्वायर टू प्रिपेयर, इतना नॉर्मेलिटी दिया, तो आप जानते हो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी दिया है 0.2, वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा 50/1000, मोल तो निकालना नहीं वैसे हमें, ग्राम निकालना है, इसका मोलर मास आएगा 126, एन फैक्टर कितना होता है 2 होता है। ये आंसर शायद आ जाएगा ये वाला। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई बाई एम एल, याद है आपको नेप होता है ना, ठीक है, ई बाई एम, ई फॉर चार्ज, एम फॉर मास, तो याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, ये आ जाएगा इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट, इम्पॉसिबल है, तो देखो इम्पॉसिबल, एन की वैल्यू 3 तो एम की वैल्यू हो सकती है 4, इसकी 3 हो सकती है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। देखो अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, तो 3 तो कभी आएगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, 4th। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड क्या होता है, n माइनस l माइनस 1, तो n कितना हो गया 4 माइनस 0 माइनस 1, आंसर कितना हो गया 3। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्राउंड स्टेट पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज वायलेटेड। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक किसी एक एलिमेंट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम सम, ये देखो यहां गड़बड़ है, इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन का फॉर ऑल 4 क्वांटम नंबर क्या रहेंगे, सेम, क्योंकि देखो एल की वैल्यू 0 होगी दोनों के लिए, एम की वैल्यू भी 0 होगी, एस की वैल्यू या तो दोनों के लिए प्लस हाफ होगी या तो दोनों के लिए क्या होगी माइनस, सेम हो जाएगा ना, तो ये वाला गड़बड़ है हमारा। बाकी में देखो किसी पाउली ने ही बताया था, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, दो तो है बट साथ में क्या बताया था कि किसी भी एलिमेंट का 4 क्वांटम नंबर, किसी भी एलिमेंट के अंदर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है, जबकि इसमें हो रहा है सेम ना, तो गड़बड़ है ये। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन प्लस एल इक्वल टू 8, तो n प्लस l इक्वल टू 8 अगर हमें लाना तो 8s हो सकता है या 7p हो सकता है, 6d हो सकता है या 5f हो सकता है, इन सभी का n प्लस l क्या है 8 है, तो s में कितने भर सकते हो मैक्सिमम 2, 6, 10, 14, तो ये कितना हो गया 20, 30, 32, आंसर कितना आ जाएगा इसका 32। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 173, इसमें क्या बोला है, 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 300 केल्विन एंड 20 एटमॉस्फेयर अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। आइसोथर्मली बोल दिया, डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब 0 तो बहुत सारे में है, यहां है, यहां है, यहां है, ये तो पॉसिबल नहीं, इसका मतलब ना। अच्छा, अब देखो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है 0, तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया माइनस ऑफ डब्ल्यू। अब उसके बाद आगे देखते हैं, अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली, ठीक है, चलो भाई, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, W एक्सपेंड हो रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, या इसको क्या और लिख सकते हैं, NRT भी लिख सकते हैं, NRT ये भी लिख सकते हैं, यस, तो इसका निकाल लो माइनस 2.8 ग्राम डिवाइडेड बाय 28, अब इसको जूल में है, 8.31, टेम्परेचर कितना दिया है 300, यस, टेम्परेचर कितना दिया है 300, ये आ जाएगा हमारा डब्लू किस में आएगा, माइनस में, डब्लू देखो माइनस में इसका ही है, ठीक है, लेकिन जब W माइनस में होगा
ये माइनस में, और यहां हमने इससे निकाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्यू किस में आना चाहिए प्लस में। अब वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि साइन से भी आप बता सकते हो कि कौन सा आंसर आएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। देखो डेल्टा यू तो जीरो आना है, वो तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में है, और आप पता लग गया कि डब्ल्यू का साइन आना चाहिए नेगेटिव। चलो भाई मान लिया यहां भी नेगेटिव, यहां भी ये गया, और डब्ल्यू का साइन नेगेटिव आएगा तो क्यू का साइन क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वो पॉजिटिव इसमें। यस नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन CO सी सॉलिड प्लस हाफ O2। अब जानते हो आप डेल्टा H माइनस ऑफ डेल्टा U इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी, ये हो गया गैस, ये भी गैस है, डेल्टा एन जी इसका कितना आएगा 1/2 जूल में है 8.31, टेम्परेचर दिया है 290, ठीक है प्लस में ही आएगा। ओके ये तो सॉलिड है, लेना नहीं है डेल्टा एनजी में। नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर क्यू पी माइनस क्यू वी, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट, पहले लिख लेते हैं क्यू पी इक्वल टू होता है, नियत आयतन था, नियत दाब पर अभिक्रिया का ऊष्मा घन था, QP इक्वल टू होता है QV प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो देखो QP माइनस QV कितना हो जाएगा डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी इसका निकाल लेते हैं, ठीक है बेंजीन तो हो गया लेटू, ये हो गया गैस, ये हो गया गैस, तो ये माइनस में आ रहा है हमारा माइनस ऑफ थ्री आर टी, माइनस ऑफ थ्री आर टी आ रहा है, ठीक है माइनस ऑफ थ्री आर टी अगर आ रहा है तो अभी मैंने क्या निकाला है क्यूपी माइनस ऑफ क्यू वी, और आपसे पूछा है क्यू वी माइनस क्यू पी, तो साइन का जब इसको इसको माइनस कर लो चाहे इधर माइनस ये प्लस, प्लस हो जाएगा तो आंसर तो पक्का है कि इसमें आना है प्लस में, बाकी आप R और T की वैल्यू रख लीजिए, ठीक R और T की वैल्यू रखिएगा आंसर आ जाएगा आपका। बस यहां पे थोड़ा ये है डिफरेंस बिटवीन हीट प्रेशर किलो जूल में निकालना है, देखिए भैया किलो जूल में निकालना है तो R की वैल्यू जूल में रख लीजिएगा 8.31, बाद में किलो में बदल लेना, ठीक है कैलकुलेशन थोड़ी सी है। नेक्स्ट When polyatomic gas, तो देखो एडिया बट टी वी पावर गामा इक्वल टू टी वी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू क्या होता है कॉन्स्टेंट। अब आप जानते हो मोनो एटॉमिक के लिए क्या होता है 1.6, डाई एटॉमिक के लिए 1.4, ट्राई एटॉमिक के लिए 1.3, ट्राई होमो एटॉमिक के लिए। अब गामा की वैल्यू ये है तो गामा माइनस वन पॉसिबल कौन सा आ रहा है, गामा माइनस वन जो आएगा एन की वैल्यू क्या है गामा माइनस वन, तो गामा माइनस वन की वैल्यू तो भैया वन से तो कम ही आएगी, ठीक है और वन से कम कौन सा है ये वाला, टू मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली आइसोथर्मली, रिवर्सिबली है एक्सपेंड है आइसोथर्मली, रिवर्सिबली आइसो एक्सपेंड कर रहा है तो साइन तो पक्का नेगेटिव में आना है, ठीक है फ्रॉम इतना तो वर्क डन बाय द गैस, ठीक है तो W इक्वल टू माइनस 2.303, N की वैल्यू कितनी है N की वैल्यू 2, R कैलोरी में 2, R 2.303, 2.3 R की वैल्यू चलो एक बार 8 इसको रखो 0.082 बाद में बदल लेंगे, N R T की वैल्यू 298 log of V2 by V1 10/2, दोस्तों ये आएगा लीटर और एटमॉस्फेयर में, ठीक है अगेन कैलकुलेशन थोड़ी है, इसको आपको लीटर और एटमॉस्फेयर में अगर बदल से जूल में जाना है तो 101.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद फिर इसको किस में बदलना पड़ेगा कैलोरी में,
ठीक है, तो करके बाकी फार्मूला तो यही है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए क्या होता है, माइनस 2.303 एक्सपेंड के लिए एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें द चेंज इन इंटर, अच्छा साइन दिया हुआ है, द लिक्विड्स क्रिस्टलाइज अगर हो रहा है तो पास पास आ रहे हैं, एंट्रोपी क्या होगा घटेगा, पहला नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। दूसरा टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाइब्रेशन बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, दूसरा होना चाहिए पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तीसरा प्रेशर घट रहा है, प्रेशर घट रहा है तो स्पेस ज्यादा मिलेगा उसको वाइब मूव करने का, तो एंट्रोपी क्या होगी बढ़ेगी, फिर पॉजिटिव। द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, बोल रहा है सभी टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, उसमें क्या होता है इसका साइन नेगेटिव, इसका क्या आना चाहिए पॉजिटिव, तभी नेट साइन हमेशा क्या रहेगा नेगेटिव, तो डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस क्या होना चाहिए पॉजिटिव, डेल्टा एस, डेल्टा एस पॉजिटिव और डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, तो देखो HCl का फॉर्मेशन अगर होगा तो ये क्या होगा H2 प्लस Cl2 और इसका आधा भी करना पड़ेगा, सही है। अब देखो सबकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया हुआ है, पर मोल का दिया हुआ है, तो अब आप जानते हैं तो इसका क्या करना है हमें बॉन्ड डिसोसिएशन डेल्टा H निकालना है, ठीक है। तो देखो H2 के ब्रेक होने का दिया है पर मोल का दिया है हमें, जबकि हमें आधा ही मोल चाहिए, तो 100 बाई कितना हो गया 2 प्लस 50 बाई 2 और ये बन रहा है, जबकि ब्रेक होने का दिया है तो साइन चेंज कर लिया एंड दैट इज 120। तो ये तो इजी है कैलकुलेशन, वैसे 50 प्लस 25 माइनस 120, 75 माइनस दिस, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो प्लस माइनस में आना चाहिए, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीट इवॉल्व इन द कंबशन ऑफ रॉम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, हीट इवॉल्व दिया हुआ है, इवॉल्व का तो साइन नेगेटिव, तो चलो खैर रॉम्बिक सल्फर टू मोनोक्लिनिक सल्फर, तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा इसका माइनस ऑफ 70960 हीट इवॉल्व साइन नेगेटिव, और प्रोडक्ट माइनस रिएक्ट ए हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 71030 7090307096, ठीक है। तो ये अब इसको कर लीजिए, बस प्लस में आंसर आ जाएगा, और क्या प्लस में आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस The heat of formation of standard state is zero. Standard heat test इसका element in their heat of formation, standard heat of formation of an element in their standard state क्या होता है zero. Diamond standard नहीं था, sugar कोई standard form of element नहीं है, एक तो हो गया graphite, zinc हो गया, aluminium हो गया, bromine का liquid होता है, iodine का solid होता है, benzene तो compound है, तो CDE कहीं पे होना चाहिए, CDE हो गया। एन इमेजिनरी रिएक्शन अज्यूम टू टेक प्लेस थ्री स्टेप हीट ऑफ रिएक्शन, अब आपको देखो इसके हेल्प से ये लाना पड़ेगा, 2B चाहिए आपको, तो इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर देते हैं 2, अब इसको ऐड कर देते हैं, देखो ये डी से डी कट गया, सी से सी कट गया, आ जाएगा तो क्या आ गया Q1 प्लस Q2 प्लस 2Q3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, एच प्लस ओ एच माइन न्यूट्रल ऑल टेम्परेचर, न्यूट्रल हो गया एच प्लस, ठीक है एच प्लस इक्वल टू ओ एच फॉर न्यूट्रल एट, ये गड़बड़ है ना, ऑल टेम्परेचर पर एच प्लस ओ एच टेन पावर माइनस 7 नहीं होता है, जैसे ये तो 25 हो जाएगा, 90 डिग्री पर एच प्लस ओ एच इक्वल तो होते हैं बट 10^-6 होते हैं, न्यूट्रल जरूर होगा बट ये 10^-7 फॉर ए न्यूट्रल सॉल्यूशन एट ऑल टेम्परेचर, ये गड़बड़, ये वैल्यू चेंज हो सकती है, होगा तो न्यूट्रल ही लेकिन वैल्यू चेंज हो सकती है।
नेक्स्ट, बफर सॉल्यूशन कंटेन वन मोल ऑफ दिस एंड वन पीएच ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेसिक बफर है तो पहले पीओएच निकालना पड़ेगा, पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब यह है कि उसका कॉन्जुगेट एसिड आना चाहिए। कॉन्जुगेट एसिड इसका एनएच फोर पॉजिटिव लेकिन दो है तो कितना हो गया, टू डिवाइडेड बाई वन, ये हो गया। पी के बी इसका कितना आएगा, फाइव प्लस लॉग टू की वैल्यू कितना आएगी, 0.3010, 5.3 हो गया, ये पी ओ एच हो गया। तो पी एच कितना हो जाएगा, 14 माइनस 5.3, 14 माइनस पॉइंट, ये हो गया। तो मेरा फोर्थ आंसर के आसपास आ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा सेक्शन बी में पीएच ऑफ 0.1 एम सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इंक्रीजेस, पीएच इंक्रीजेस होना चाहिए, ठीक है। पीएच ऑफ 0.1 एम सोल्यूशन ऑफ द इंक्रीजेस इन ऑर्डर, पीएच इंक्रीजेस। अब इंक्रीजेस का इसमें देखो, इस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है तो इसका पीएच तो ग्रेटर देन 7 हो गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी लोगे, मतलब टेम्परेचर नहीं भी दिया है तो कोई भी लोगे, उस न्यूट्रल पीएच से तो ज्यादा ही होगा। ये मान लेते हैं चलो ये 7 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हाइड्रोलिसिस से आएगा तो हम इधर से इधर बढ़। अब आंसर ही एक ही दिया है बस, ऐसा कि भाई इसका 7 होगा और 7 ज्यादा इसी का होगा ही, वैसा कोई आंसर ही नहीं बन रहा। आंसर कौन सा हो गया हमारा, सेकेंड। वैसे ही बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका पीएच तो बहुत कम होगा और इसमें जो आएगा एच प्लस वो बाई हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस से जो एच प्लस आता है वो इससे तो कम ही आएगा और कम आएगा तो पीएच क्या होगा, ज्यादा होगा। अ सर्टेन बफर कंटेन इक्वल कंसेंट्रेशन ऑफ दिस एंड दिस, एसिडिक बफर हो गया, केबी लेकिन दिया है इसका, केबी दिया हुआ है तो केबी हमें चाहिए ना, एसिडिक बफर है तो हमें क्या चाहिए, के ए, के इंटू केबी कितना होता है, 10 to the power minus 14। तो के ए कितना हो गया, 10 to the power minus 14 डिवाइडेड बाई 10 to the power minus 10, ये हो गया 10 to the power minus 4। तो पीएच निकाल लेते हैं इसका, पी के ए 4 कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड, ये दोनों बोला है सेम है तो लॉग वन की वैल्यू 0.4 आंसर। नेक्स्ट, विच सॉल्यूशन है पीएच क्लोजर टू वन, तो एक देखो सभी में एक एसिड है और दूसरा क्या है बेस, क्लोजर टू वन मतलब हमें क्या चाहिए, एच प्लस 10 to the power minus 1 के आसपास मिलना चाहिए तभी तो आएगा। अभी देखते हैं, देखो हमारे पास एच सी एल कितना है, 25 है और ये कितना है, 5 है, ठीक है। तो माइनस अगर 5 कर दें तो ये कितना हो गया, 20 एच प्लस और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 100 नहीं नहीं हाँ 100 अरे यार ये गड़बड़ लिख दिया ना, ये 15 आएगा ना, ये आएगा 10 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 0.1। क्योंकि एसिड है इतना हमारे पास, NaOH इतना है तो एसिड से इतना NaOH तो खत्म कर देगा तो H प्लस कितना बचेगा, 10 मिलीमोल डिवाइड बाय वॉल्यूम टोटल, तो 0.1 आया। तो H इसका तो आएगा भाई pH 1, बाकी का तो देख लीजिए, बाकी का तो नहीं आने वाला है। आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। नेक्स्ट, सॉलिबिलिटी ऑफ PbCl2 इन वाटर इतना है तो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन, इट्स मैक्सिमम कंसेंट्रेशन इन जीरो, तो पहले इसका के एस पी निकाल लेते हैं, के एस पी इसका कितना आएगा, 4s³, ठीक है। तो 4 × 10⁻²³ का क्यूब, 4 × 10⁻⁶। अब आप जानते हो कि कोई भी कंसेंट्रेशन चेंज करते हैं के एस पी तो उस पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, कॉमन आयन लग जाएगा इसका। अब NaCl में बताना है इसकी सॉलिबिलिटी, तो
पी बी सी एल टू सॉलिड, पी बी प्लस टू प्लस टू सी एल माइनस, ये हो गया एस, ये हो गया टू एस। एन ए सी एल ये देगा एन ए पॉजिटिव प्लस सी एल माइनस, ये पॉइंट वन है तो ये भी कितना आएगा पॉइंट वन। केएसपी तो सेम ही रहेगा, फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स, ये हो गया एस और इधर वाला कितना हो जाएगा टू एस प्लस पॉइंट वन का स्क्वायर। अब ये स्ट्रॉन्ग वीक के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट हो गया तो एस की वैल्यू कितनी आ रही है, ये टेन टू द पावर माइनस टू हो गया, फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई टेन टू द पावर माइनस टू, तो ये आ रहा है फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर, फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर ये आ जाएगा आपका ना। नेक्स्ट देखते हैं, इफ केएसपी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, केएसपी दिया हुआ है इस बार, व्हाट विल बी द प्रेसिप 0.1 विल शो प्रेसिपिटेशन पीएच ग्रेटर देन, कोई बात देखो तो इसका केस लिख लेते हैं पूरा, एम जी ओ एच ट्वाइस, ये ब्रेक कर लिया, एम जी प्लस टू प्लस टू ओ एच माइनस, ये एस हो गया, ये हो गया, या इसको ऐसे कर लेते हैं, इसका कॉमन आयन लगेगा, इधर लिख देते हैं एम जी सी एल टू, एम जी प्लस टू प्लस टू सी एल माइनस, टेन टू द पावर माइनस टू है, ये भी होगा टेन पावर माइनस टू, तो प्लस कितना लग रहा है टेन पावर माइनस टू, और ये चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। के एस पी दिया है टेन टू द पावर माइनस ट्वेल्व, तो ये हो जाएगा एस प्लस टेन टू द पावर माइनस टू इंटू ओ एच माइनस का स्क्वायर। स्ट्रॉन्ग ये खत्म हो गया, ओ एच माइनस का स्क्वायर इक्वल टू टेन टू द पावर माइनस टेन, सो ओ एच माइनस कितना हो जाएगा टेन टू द पावर माइनस फाइव, तो पी ओ एच कितना हो जाएगा फाइव, तो पी एच कितना हो जाएगा नाइन। सोल्यूशन ग्रेटर देन, तो नाइन से ज्यादा होना चाहिए, नाइन से ज्यादा, सो प्रिंसिपल इन द सोल्यूशन ऑफ पी एच ग्रेटर देन नाइन, ग्रेटर देन क्या होगा नाइन, ठीक है, ग्रेटर देन नाइन। के एस पी ऑफ AgCl दिया ही हुआ है, प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl विल अकर ओनली व्हेन इक्वल वॉल्यूम भी है, तो सभी का IP निकाल लो, IP कितना आएगा, इक्वल वॉल्यूम है तो 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू वी डिवाइड बाई 2V इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू वी डिवाइड बाई 2V। देखो ये V से V सब कट गया, ये हो जाएगा 25 1 बाई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, तो 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, ये पहला आया 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, तो पहले वाला ही ज्यादा हो गया, आईपी इतना, इसका केएसपी इतना है, आईपी इतना है, ज्यादा ही है, तो पहला वाला ही हो गया, ऐसे बाकी का चेक कर सकते हैं, आंसर तो आ गया। व्हाट ए कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस कौन बनाता है, जो एच एक खत्म हो जाए उससे, तो कंजुगेट बेस ये हो गया, एच कम हो गया तो कंजुगेट बेस, एच बढ़ गया तो कंजुगेट एसिड। द पीकेए ऑफ वीक एसिड इतना है, द पीकेबी ऑफ वीक बेस है, तो पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक बेस की बात कर रहा हूं, तो पीएच कितना होता है 7 प्लस 1 बाय 2, पीकेए, पीकेए कितना है 4.8 माइनस 1 बाय 2 पीकेबी, PKB है 4.78, सॉल्व कर लीजिए हो जाएगा, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। pH ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन HQ 3 दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट, देखो H प्लस दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 3, pH क्योंकि 3 दिया हुआ है, इसको C अल्फा बोल सकते हैं, 10 टू द पावर माइनस 3, तो अल्फा कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई सी दिया हुआ है 10 टू पावर माइनस 1, 10 टू द पावर माइनस 2 आ गया, तो एक बार के लिए आप लगा दो चलो के ए इक्वल टू, के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, सी है 0.1, अल्फा है 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 टू पावर माइनस 5,
10 टू द पावर माइनस 5 आ जाएगा। नेक्स्ट 0.4 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पीएच निकालना है तो मोल निकाल लेते हैं, 0.4 डिवाइड बाय 40, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 10 टू द पावर माइनस 2। ओके ये आ गया हमारा मोल, तो कंसंट्रेशन कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 2, 1 लीटर दिया है। पहले POH निकलेगा, POH कितना आ गया 2, सो pH कितना आ जाएगा 12। नेक्स्ट फॉर द रिएक्शन ये सब दिया हुआ, देखो सॉलिड सॉलिड गैस, तो इसका KP लिखोगे तो कितना आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है, और KP कितना दिया है 8, आंसर 8 हो गया। यस नेक्स्ट फॉर द रिएक्शन ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसका केसी दिया हुआ है और इसका केसी पूछ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग सेट कर दो इसको, केसी इक्वल टू जैसे ये 2 है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो मल्टीप्लाई होता है वो इसके क्या हो जाता है स्क्वायर में चला जाता है। दूसरा SO2 इस साइड इसको रिवर्स, तो कुल मिला के आ जाएगा 1 बाई केसी का स्क्वायर। देखिए SO3 आपको इधर चाहिए, इसमें SO3 इधर है, तो रिवर्स करना पड़ेगा, डिवाइड में चला गया 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 बाई 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC तो दिया ही हुआ, व्हाट विल बी द मोल ऑफ दिस एट इक्विलिब्रियम, 1 मोल एसिटिक एसिड along with 1 mole of this, ये 1 mole है, ये 1 mole है, ये क्या रहा होगा 0 0, 1 minus x, 1 minus x, x x, तो kc अगर आप लिखोगे तो क्या आएगा x square by 1 minus x का square equal to 4 दिया हुआ, so x by 1 minus x equal to 2 हो गया, so x equal to 2 minus 2 x, 3 x equal to 2, so x equal to कितना आ गया 2 by 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये दे रखा है सॉलिड है ये, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम इज इंक्रीज बाय इतना देन इट, चलो ठीक है, तो केसी पहले अगर लिखा तो क्या लिखना पड़ेगा बी का स्क्वायर सी का क्यूब। अब देखिए आप कंसंट्रेशन या प्रेशर चेंज करते हैं तो केसी तो उतना ही रहेगा, तो केसी इक्वल टू, अब क्या बोला इफ कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम इज इंक्रीज बाय फैक्टर 2 then it will cause the equilibrium concentration of B, तो मान लेते हैं B dash का square हमें निकालना है और C पहले से कितना हो गया है 2C हो गया है, solve कर लेते हैं इसको, कट गया C cube से C cube कट गया, तो देखो इधर आ गया 1, इसको इधर कर लेते हैं, ये हो गया 8 B डैश का स्क्वायर इक्वल टू 8 B डैश का स्क्वायर इक्वल टू B का स्क्वायर, सो B डैश का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया B का स्क्वायर डिवाइड बाय 8, तो B डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा B बाय 2√2, ठीक है, तो 1 by 2√2 टाइम्स क्या हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू से ये आ जाएगा। नेक्स्ट व्हाट चेंज विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट डायरेक्शन, टू द राइट डायरेक्शन, एक तो देखो ये एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो राइट जाएगा ही, ये तो बन रहा है, ठीक है, NaCl डाल देंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड कॉमन आयन से, अमोनियम नाइट्रेट डाल देंगे कॉमन आयन लगेगा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, कुल मिला के आंसर कौन सा हो गया सेकेंड, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा केम डीटीएस डायमंड टेस्ट सीरीज 2 ना, हर तरह के क्वेश्चन थे, एक दो तीन में कैलकुलेशन भी था, बाकी काफी स्कोरिंग पेपर है, ठीक है, तो किया भी होगा आपने, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।